गठबंधन के तहत एक है आप और कांग्रेस पर चुनाव प्रचार देख रहे अलग। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन भले ही हो गया है मगर चुनाव प्रचार अलग अलग कर रहे हैं। इतना ही नहीं इनके मुद्दे भी अलग हैं। आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रही है और इस मुद्दे को लेकर घर घर जा रही है मगर कांग्रेस के चुनाव प्रचार में यह मुद्दा प्रमुख नहीं है। सिर्फ 4 सीटों पर प्रचार कर रही आप कांग्रेस यह तो मानती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत हुई है मगर कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है। दोनों दलों के बीच अभी तक संयुक्त प्रचार कार्यक्रम को लेकर भी कोई योजना नहीं बनी है। आप सिर्फ अपने हिस्से की 4 सीटों पर ही प्रचार कर रही है। अभी चुनाव प्रचार में जुटे हैं भाजपा और आपके प्रत्याशी। दिल्ली की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा के बाद उम्मीद की जा रही थी दिल्ली में चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा मगर अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी चुनाव प्रचार के मैदान में भाजपा और आप ही हैं। भाजपा और आपके प्रत्याशी जुटे हैं। आपके सामने एक समस्या जरूर आ रही थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल गिरा है। यहां तक कि आपको चुनाव में चंदा देने वाले भी अब खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। गठबंधन के बैनर तले आप और कांग्रेस के चुनाव प्रचार की रणनीति अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि गठबंधन के समय इन दोनों दलों ने दावा किया था कि जल्द ही चुनाव प्रचार को लेकर संयुक्त टीम बनेगी और मिलकर प्रचार करेंगे। यहां तक कि रैलियां भी मिलकर करने की बात कही गई थी। आपने 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की थी। काफी प्रयास बाद इस लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सका है। यह गठबंधन भी उस स्थिति में हुआ है जब आपने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने की घोषणा कर दी थी। यह भी कहा था कि प्रत्याशियों की घोषणा में देरी से हो रहे नुकसान के चलते अब और समय नहीं लिया जा सकता। आपने कांग्रेस के लिए यहां तक कहा था कि INDI गठबंधन में है इसीलिए एक टिकट दे देंगे। आपने धीरे से यह बात भी कह दी थी कि अगर कांग्रेस गठबंधन में साथ आती है तो उसका इंतजार रहेगा। यह बात कांग्रेस की समझ में आई और इसके बाद जल्द ही दोनों के बीच गठबंधन हो गया जिसमें दिल्ली की 4 सीटें आप और 3 सीटें कांग्रेस को मिली। चुनाव प्रचार के लिए आपका जल्द ही संयुक्त टीम गठित करने का दावा आप अपने हिस्से की 4 सीटों पर कांग्रेस के पहले ही प्रत्याशी उतार चुकी थी। आपकी रणनीति प्रत्याशियों को हर गली मोहल्ले तक पहुंचा दे। दिल्ली संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय कहते हैं कि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी जब प्रत्याशी ही घोषित नहीं हुए थे तो संयुक्त रणनीति कैसे बनती है। अभी हम अपनी 4 सीटों पर ही फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि प्रचार के लिए जल्दी ही दोनों दलों की संयुक्त टीम बनेगी।